आज हम इस वीडियो में इंजन कूलिंग के बारे में जानने वाले हैं। इंजन कूलिंग की क्या ज़रूरत है, कूलिंग सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं और उनका फंक्शन क्या है, एक अच्छे कूलिंग सिस्टम में क्या क्या मेन फीचर्स होने चाहिए। देखो, हम इंजन को फ्यूल इनपुट एनर्जी के रूप में देते हैं। टोटल सप्लाइड एनर्जी का 30 to 40% हिस्सा ही यूज के लिए मिलता है। 60 to 70% हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जिसमें अराउंड 30 to 35 लॉस एग्जॉस्ट गैसेस में, 30% लॉस कूलिंग में और कुछ फ्रिक्शन के रूप में लॉस्ट हो जाता है। इंजन के टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि कूलिंग सिस्टम या कूलिंग की ज़रूरत क्यों होती है। इंजन सिलेंडर में कंबशन होता है और टेम्परेचर्स 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाते हैं, जो इंजन कंपोनेंट जैसे सिलेंडर और सिलेंडर हेड के मेटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा है। हायर टेम्परेचर की वजह से ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ऑयल फिल्म थिकनेस ख़त्म हो जाएगी। रोटेटिंग कंपोनेंट सीज हो सकते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन या हाई टेम्परेचर से थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, जिससे कंपोनेंट फेल हो सकते हैं। सीधा सीधा मतलब निकल कर आ रहा है कि एक इंजन के सही तरीके से फंक्शन के लिए इंजन कंपोनेंट को कूल करना ज़रूरी है या इंजन का एक सही टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। एक अच्छे कूलिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वह भी जान लेते हैं। कूलिंग सिस्टम में लगभग 30% ऑफ फ्यूल इनपुट एनर्जी को रिमूव करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ज़्यादा कूलिंग भी सही नहीं है, क्योंकि यह थर्मल एफिशिएंसी को कम कर देगी। इंजन गर्म होने पर ज़रूरी है कि कूलिंग सिस्टम फास्ट रेट से हीट रिमूव करे और इंजन ठंडा होने पर फास्ट रेट से इंजन को वार्म अप करें। तो इंजन कूलिंग सिस्टम का मेन पर्पज हुआ टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर्स ऑफ इंजन फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, ना ज़्यादा कूलिंग और ना ज़्यादा कम। दूसरा मेन पर्पज टू प्रोटेक्ट इंजन कंपोनेंट फ्रॉम हाई टेम्परेचर्स जैसे सिलेंडर हेड, सिलेंडर और पिस्टन। इंजन कूलिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग छोटे पावर कैपेसिटी वाले इंजन के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें एयर हीट को कैरी करती है। एयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाटर से बहुत कम होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम सभी मीडियम और हैवी पावर कैपेसिटी वाले इंजन के लिए सूटेबल है, लेकिन यह एयर कूलिंग सिस्टम से ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक बार वाटर कूलिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट पर नज़र डाल लेते हैं। कूलिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट हैं रेडिएटर फैन एंड बेल्ट, वाटर पम्प, थर्मोस्टेट वाल, वाटर जैकेट्स, होजेस और एंटीफ्रीज कूलेंट। इन कंपोनेंट को डिटेल में हम अलग अलग वीडियो में समझने वाले हैं। वाटर पंप रेडिएटर आउटलेट से ठंडे कूलेंट को प्रेशराइज कर इंजन की वाटर गैलरीज और जैकेट्स में भेजता है। यहाँ से कूलेंट कंपोनेंट की हीट को लेकर गर्म हो जाता है। इंजन के आउटलेट पर थर्मोस्टेट वाल लगा होता है, जो इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ही कूलेंट टेम्परेचर 85 टू 95 डिग्री तक पहुंच जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है। गर्म कूलेंट रेडिएटर में जाना शुरू हो जाता है। रेडिएटर ट्यूब्स और फिन से इसकी कूलिंग होती है। ठंडा कूलेंट फिर से वाटर पंप के पास चला जाता है और यह साइकिल बना रहता है। इस वीडियो को हम यहीं ब्रेक देते हैं और दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं। जब तक बने रहिए आप आपके अपने चैनल के साथ।